नाम बोलता हूँ, जी 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 बोले बोले। मैं अभी बोलता हूँ। हदीस नंबर 67। ओके, सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर है 67, ठीक है जी। 67 अभी आ जाती है सामने, एक मिनट जरा। 67 मेरे बुधा, ठीक हो गया। अच्छा जी जी जनाब, अब ये हदीस सुन ले जरा। ये हदीस आपने पेश की है कि इस हदीस की बेस के ऊपर मुझे इस्लाम को छोड़ना है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है ना जी। छोटा मोटा, यानी मुझे छोटा मोटा इतराज नहीं चाहिए, मुझे इतराज चाहिए बड़ा। आपके सामने हदीस है, जूम कर रहा हूँ, चूंकि आपको अरबी की ट्रांसलेशन आई गेस शायद ना आती हो ज्यादा, मैं ये चांस ले रहा हूँ। ये आपके सामने हदीस पूरी और जूम कर रहा हूँ, ये अबू सईद अल खुदरी से है रज़ी अल्लाह अन्हु से, ये आप मुझे बताएं इस पर आपका इतराज क्या है जी। से पूछा गया था कि जो है वो बुद्धा वेल से जो है पानी जो है वो नहीं कराए, लेकिन उसके अंदर जो था प्रॉफिट ने कहा था कि ये पानी जो है ना बिल्कुल साफ है, लेकिन उसके अंदर वो जानवर के जो है यानी कि स्टूल्स और ये औरतों के हेयर के जो होते हैं कपड़े वो और इस तरह की और ज्यादा गलीज भरी चीजें जो है थी वो गिरी नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट ने इस पानी को पाक क्यों कहा? मुझे सिर्फ इसका यही इतराज अभी तक जो है इस्लाम पर सबसे बड़ा जो है वो तो मुझे यही नजर, ठीक हो गया सबसे बड़ा, यानी इस इतराज के ऊपर इस्लाम छोड़ देना चाहिए है जी। मुझे तो यही लगा क्योंकि मुझे बाकी और तो कोई अभी लगा नहीं है कि इस्लाम। हाँ, मैं पहले पहले इसका जवाब मैं देने लगा हूँ, मगर मैं पहले कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ उस मोमेंटम को कि जिस बेस के ऊपर हमने कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीरीज शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बुजुर्ग का ये सारा वाक्या आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है कि ये इतना बड़ा एतराज लगना चाहिए कि इस बेस पर मुझे इस्लाम को छोड़ना चाहिए, ये थोड़ा सा कोशिश करें प्लीज, ट्राई अगेन। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस एतराज को इतना बड़ा एतराज नजर आना चाहिए कि इस वजह से इस्लाम छोड़ देना चाहिए, यानी कोई ऐसी इसमें आपने पॉइंट निकालना है जिससे इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की ऑथेंटिसिटी चैलेंज होना शुरू हो जाए, इस तरह का कोशिश करें जो आप, फिर मैं देता हूं आपको जी। ये इसकी पहली वाली लाइन है कि वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम द यू फ्रॉम द वेल ऑफ द बुद्धा, इट वाज इट इज अ वेल वेयर द डेड डॉग्स एंड ये सारा जो है। हां क्या हुआ क्या इससे, मैं जानना ये चाह रहा हूं हुआ क्या के बताएं ना? जो है जी हां हां बोलिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना यानी कि वो एक आइडियल बनकर आए थे और भेजा गया था, तो जो है आइडियल बनाकर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने फिर किस जो वेल था जिसका पानी इतना गंदा था उसको पाक क्यों कहा? उसको पाक क्यों कहा? जबरदस्त, चले ठीक हो गया, चले एटलीस्ट आपने अपना पॉइंट तो ध्यान लगे, क्योंकि आर्गुमेंट आपका नंबर वन प्रूव करना है जिस वक्त अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पानी पिया उस वक्त उस कुएं के अंदर ये चीजें गिरी हुई थी, पॉइंट नंबर वन। दूसरा प्रूव करना है कि कुओं की सफाई नहीं हो सकती, दो। नंबर तीन प्रूव करना है मेरे बुदा वो कुआं था जिसके अंदर बारिश होने के बाद फ्लड से वो पानी निकलता ना हो, ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट आपका। ये तीन चीजें प्रूव करनी है, इसी चीज से ले लो या किसी और चीज से ले लो, चलो। सबसे पहली बात आपने कही कि प्रूव करना है कि फ्लड, नंबर वन, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं से पानी पिया उस वक्त ये गंदगी वाली चीजें उस कुएं के अंदर मौजूद थी। मिसाल के तौर पर इसको समझिए, मैंने क्यों रखा है इसको समझे, ये जितने मैंने सवाल रखे हैं इनके पीछे एक लॉजिकल बेस है। मिसाल के तौर पर एक घर है हमारे मोहल्लों के अंदर, पाकिस्तान से आपको पता होगा पुराने मोहल्ले जो होते हैं उनके अंदर कई दफा को घर खाली होता है, उसके अंदर लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं, गंदे कपड़े ये वो चीजें फलाटम करना, जब वो बिक जाता है या उसका मालिक आते हैं या कोई चीज उसकी सफाई होती है, सफाई के बाद उस घर में रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता? रहा जा सकता है ऑब्वियसली, मगर एक वक्त आता है जिस प्लॉट के अंदर कूड़ा रद्दी पता नहीं कुछ कचरा सब कुछ फेंक देते हैं मगर उसकी सफाई होती है। इस तरह आपने ये चीज सबसे पहले ये प्रूव करनी है, ए बेरे बुजा जिस वक्त अल्लाह के रसूल उसमें पानी पी रहे थे, पहला आपने जो मसला करना है कि जिस वक्त आपने ये पानी पिया उस वक्त ये गंदगी उसके अंदर मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ है, थ्रोन इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर लिखा हुआ है, पास्ट टेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर थ्रोन फेंका जाता था, फेंका हुआ है, मौजूद है, ये चीज नहीं है, तो इसलिए इस चीज को आपने प्रूव करना है, इसी हदीस से कर दो या कोई दूसरी भी, मौका देता हूं आपको। सॉरी सॉरी रुके, आप क्या कह रहे हैं इसके अलावा कोई हदीस नहीं मेरे बुजा की? नहीं इसके अलावा कोई नहीं है जो मैंने बताया। मेरे बुजा फिका के अंदर एक मार्कतुल आरा मसला है, एक मेजर इशू है मेरे बुजा की हदीस, ये मदीना के चंद उन कुओं में से था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के लिए और चीजों के लिए इस्तेमाल किए, ये आज भी कुआं मौजूद है, तो ये याद रखना आपने कि ये हदीस मेरे बुजा की, इन्नल मा तहूरुन ला युनजिसुहु शैउन, ये हदीस टुकड़ा जो है मेरे बुजा की रिवायत के अंदर है, ये फिका का एक मेजर इशू है, मार्कतुल आरा मसला, इतने तुरुक हैं इसके कि आपका अंदाजा भी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ट्राई करें। पॉइंट नंबर वन ये साबित करना है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने पिया उस वक्त ये था, मिसाल के तौर पर एक ग्लास है, ग्लास के अंदर गंदी चीज पड़ी हो सकती है मगर उसको धोने के बाद उसके अंदर पानी पिया जा सकता है, दूसरे ग्लास को यूज किया जा सकता है। मालिम सुनन मैं भी शेयर करता हूँ, मालिम सुनन एक हदीस की, और सुनन सुनन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसमें रवायत है, ताबी कहते हैं कि असहाब इसमें पानी जो गंद है वो फेंका नहीं करते थे, बल्कि होता क्या था उस वक्त तो ये गार्बेज बिन नहीं हुआ करते थे, कोई बल्दिया का सिस्टम भी नहीं था, तो लोग अपने घरों के बैकयार्ड के अंदर कचरा रखा करते थे। मदीना जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया माना जाता है, वहाँ पर लैंड्स भी हैं, खजूरें बागात हैं, फलों के खजूरों के, होता ये था वहाँ पर होती थी बारिशें, बारिशें जब बड़ी तादाद में होती थी तो कच्चा था, कच्चे की सूरत में वो पानी के फ्लो के साथ वो जो कपड़ा होता था वो गंद होता था वो बहता हुआ, ये बेरे बुदा जो है ना ये निचले एरिया के अंदर है, मैं भी चीजें दिखाऊंगा आपको उसकी, ठीक है ना, वो बता दूंगा, बेरे बुदा जो वो निचली जगह पर हुआ करता था, तो ये घिसट कर चीजें वहां पर गिरती थी और जमा होती रहती थी। फिर होता क्या था कि लोग निकाल देते थे या पानी का फ्लो जो होता था, मिसाल के तौर पर आज भी
दरियाओं के अंदर या नालों के अंदर या गहरे खड्डों के अंदर पानी अगर आकर भरता है, अगर पीछे से फ्लो आए तो वो पानी कचरा उड़ाकर ले जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, वो चीजें साफ हो जाती है। अब ये रिवायत जो है मालूम सुनन जो है उसके अंदर मिलती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपका इतराज इसी बेस के ऊपर था ना तो ये बेस वो खत्म हो गई। वो कितने गया है, एक मिनट, हाँ तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी, एक मिनट रुकिएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा साफ नहीं था, नहीं बल्कि साफ नहीं है जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने पिया। अब आपने सुनना है, ठीक है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको रोक देता हूँ और मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये इसको नोट करते हैं मेरा भाई जी। अच्छा, ये आपके सामने है मकतबा शामला, जो सबसे बड़ा इस वक्त सॉफ्टवेयर माना जाता है अहदीत यानी इस्लामिक लिटरेचर के हवाले से, मकतबा शामला, इसमें किताब है यानी आठ मुस्लिम आर्टिकल्स हैं, किताब का नाम है किताबु शाफी, इमाम शाफी की, किताबु शाफी फी शरह मुसनद शाफी, इमाम शाफी की जो मुसनद है उसकी शरह इमाम इब्न अल असीर ने लिखी है, और इस किताब का बाब है पहला अल अव्वल फिल मियाह, पानियों के बाब में, यानी पानी कैसे हो, और अल फसलु सानी फी माइल बेर, कुएं के पानी के बारे में, उससे पाकी ना पाकी कैसे की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्या मामला किया जाएगा। अब ये देखना, आपने ये देखना, ये आपको स्क्रीन हाईलाइट में कर रहा हूं, नजर आ रही होगी। इमाम शाफी कहते हैं बेरे बुजा कसीरतुल माई वासेअतुन, बेरे बुजा बड़े पानी का जखीरा हुआ करता था, कान यतरहु फीहा मिनल अंजास, नजासत वाली चीजें इसके अंदर उलट जाती थी, गिरती थी, मा ला युगयिरु लहा लौनन, जो उसके ना रंग को तब्दील करती थी, वला तामन, ना उसके जायके को तब्दील करती थी, वला युधहिरु लहु फीहा रीहुन, और ना उसकी खुशबू तब्दील होती थी। इमाम शाफी कहते हैं कि वो तीनों चीजें जो पानी की सफाई को दर्शाती हैं, जो इस्लामिक फिकी टर्म है कि ना उसका रंग तब्दील हो, ना उसका जायका, ना उसकी खुशबू, ये तीनों चीजें बेरे बुजा के अंदर नहीं होती थी, क्योंकि फ्लो के अंदर पानी जब आता था तो वो आगे बढ़ता जाता था। अच्छा अच्छा, इसी तरीके से सॉरी मेरे ख्याल से यहाँ ही है, ये मैं दूसरा एक और रेफरेंस पेश करता हूँ बेरे बुजा को सामने रखते हुए, हाँ ठीक है, हाँ ये बेरे बुजा, ये देखना, ये बेरे बुजा के बारे में ये पढ़ना, وانما كان ذلك من اجل ان هذه البئر موضعها في قدور من الارض, कहते हैं कि जो बेरे बुजा था ये मदीना के ऐसे इलाके में था कि जहां यानी निचली सतह के ऊपर था, وان السيول كانت تكسو هذه الاقذار من الطرق والافنيات وتحملها فربما القت منها فيها شيئا وكان الماء لكثرته فيها يؤثر فيه وقوع شيء من هذه الاشياء ولا يغيره, ऐसा कुआं था जो जिस जो ढलान की तरफ था उस यानी निचाई की तरफ था, झुका हुआ एरिया था, दबा हुआ एरिया था, ढलान थी, जिस तरह वो पानी गिरता तो होता ये था कि फ्लो के अंदर वो जो कपड़ा कागज या कूड़ा या इस तरह की जो चीजें होती थी, या मरे हुए जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटा कुत्ता मर गया, ठीक है, छोटा चूहा मर गया, या कोई ऐसी चीजें मर गई, वो फ्लो के अंदर तैरती हुई चीजें वहां पर आ जाती थी, जैसे आज भी गटर उबलते हैं, चीजें उबलती हैं। वह कानल माउली कसरती फी, और पानी चूंकि उसमें कसरत होता था, ये सरूफी वकू शैमिन हादिल अशिया वाला युगैरु, चीजें इसमें गिरती थी मगर इस कुएं का स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ था कि वो उसको बदलती नहीं थी, उसको तब्दील नहीं करती थी। तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया अनशानिहा इसके बारे में, लियालमु हुक्मुहा फी तहारती वन नजासती, तो सहाबा ने उनसे सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल इस कुएं के साथ ऐसा जो हदीस आपने पेश की, ठीक है, कि ये ऐसा स्लोप बना हुआ है, ऐसा इसका ढलान बना हुआ है, तो इसके बारे में सवाल पूछा कि क्या ठीक है। फकाना मिन जवाबी ही लहुम, तो अल्लाह के रसूल ने उनको जवाब दिया, क्योंकि रिहायशी थे, मदीना के लोकल थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इस्माइल साहब जो है अगर लाहौर के हैं तो मैं इस्लामाबाद के कुएं के बारे में इस्माइल भाई से पूछूं और वो कहें हां जी पानी ठीक है, नहीं, मदीना के रिहायशी थे, लोकल थे अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया लहु अनल मा ला युनजिसु शैन युरीदुल मा अल्लजी सिफतुहु सिफतु हादिहिल बैर फी गजारतिहि व कसरति जमामिहि लिअन्न सुआल इन्नमा वका अनहा बिअइनिहा फजाअ अल जवाबु अलैहा, उन्होंने सवाल पूछा अल्लाह के रसूल इस पानी के बारे में बताएं, तो अल्लाह के रसूल ने उनको जो जवाब दिया वो बेसिकली जो बेरे बुजा के कॉन्टेक्स्ट में था, ये बताना मकसद था कि अगर बेरे बुजा की तरह का अपना वेल है, कुआं है, तो सारी बात है उसमें ये पानी रुकेगा नहीं, लिहाजा पानी अगर रुकेगा नहीं फ्लो में चलेगा तो वो ठीक रहेगा। भाई किधर चले गए, भाई निकल गए, ठीक है यार आपकी मेहरबानी यार, प्लीज मान दोस्त ना ज्वाइन करें यार। ये बेरे बुजा की हदीस को बाजू मुखालिफ कहते हैं, इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा एक फिकी मसला। एक और चीज आपको पढ़ा देते हैं इसी बहाने, चले आए हैं, वैसे तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता था, कोई इनका खड़का कोशिश करे तो फिर उसको बंदा बताता है सही तरीके से चीजों का, मगर कोई बात नहीं, भाई आ गए हैं इनके तवस्सुत से, कोई एक दो चीज वो खुद मान गए हैं कि मेरी उस पर बेस नहीं है, लिहाजा उनका इतराज इस्माइल भाई का उसी बात के अंदर रफा हो गया था। अब ये हमारा चेरी ऑन द टॉप है, हम अपनी तरफ से चीजों के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो आपने पेश की है मुआलिमुस सुनन, ये बेसिकली इब्ने सुनन अबी दाऊद की ही शरह, इमाम खताबी की तरफ से किताबुत तहारा है वही, व मिन बाबी फी बियारी बुदा है। अब हमने पढ़ना बेरे बुदा के बारे में क्या कहते हैं, ये देखना ये पैराग्राफ पढ़ने वाला, जिस तरह आपको ये डिटो इस्माइल भाई से आपको ख्याल आया ना, ये बात उन्होंने लिखी है यहाँ, ये यहाँ तक। अच्छा, वो कहते हैं कद यतवहमु कसीरुम मिनन नासी, बड़ी तादाद में इस्माइल भाई की तरह लोग शक और शुबे में पड़ते हैं जब वो इस हदीस को सुनते हैं, इन हादा काना मिनहुम आदतन, वो ये समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के लोग किया करते थे, कुएं के अंदर कूड़ा फेंकते थे, वो अन्नहुम कानू यातून हादल फेल कसदन व तअम्मुदन, यानी इंटेंशनली प्लान करके लोग बेरे बुजा के अंदर कचरा फेंका करते थे, जिस तरह इस्माइल भाई के दिन में आया कि वो तो शायद कोई गार्बेज टीन था और वहाँ पानी आता था, वहीं से लोग पानी पी रहे थे। वहादा मा ला यजूज़ु अन यज़ुन्ना बिज़िम्मिन बल बिवसनीन फ़ज़लन अन मुस्लिमिन, वो कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, अरब जहाँ पर पानी की वैसे ही बड़ी किल्लत थी वो अपने कुएं को अपने हाथों से कैसे खराब कर सकते थे, वहाँ तो पानी का पहले बड़ा मसला था, ये तो अकल में बात नहीं आती, ये बात तो कोई नॉन मुस्लिम भी नहीं कर सकता, पॉलिथीस्ट भी नहीं कर सकता, मुसलमान तो के जा
वलम यजल मिन आदतिन नासि कदीमन व हदीसन मुस्लिमुहुम व काफिरुहुम तंजीहुल मियाही व सौनिहा अन निजासाती। कहते हैं ये तो पूरी दुनिया के अंदर कानून है, चाहे को काफिर हो चाहे को मुसलमान हो, कि हमेशा पानी को पाक रखता है, पानी पीने के लिए होता है, उसको साफ रखता है। ये तो काफिर भी पानी साफ ही पीते हैं, वो काफिर भी गंदा पानी नहीं पीता। तो आप अल्लाह के रसूल से कैसे ये तवक्कुल कर सकते हैं? इसलिए मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था इस्माइल भाई कि मुझे साबित कर दो उस हदीस में लिखा कि कूड़ा पड़ा हुआ था, लोग कूड़े के अंदर से पानी निकाल कर रहे थे। नहीं, अब आगे जो लोग तहारत का इतना जोर देते हों, वुजू गुस्ल पाक साफ नहाना धोना इतने की बात करते हों, इस्तंजा सफाई सुथराई का इतना ख्याल रखते हों, वो कैसे अफजल लोग ये काम कर सकते हैं कि वो इस तरह के गंदे कुएं के अंदर से पानी पीते हों? ये लॉजिकल एक वो क्राइटेरिया भी सामने रख रहे हैं। अब वो कहते हैं ये आपने सुना है, अगला नुकता वो सोशल रखने लगे जो मैंने रखा, माउफी बलादिहिम अज़्ज़ुल हाजती इलैही अम्स, ठीक है हाँ। वो कहते हैं कि वो सहरा के अंदर तो पानी की सबसे ज्यादा हाजत होती है, साफ पानी की जी। यकून हादस नहीं बिलमा इमतन, ये वक्त लान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त लान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तगव्वुति फी मवारिदिल माई व मशारीही। कहते हैं इसके साथ, इसलिए मैंने कहा इस्माइल भाई आपने तुर्क पढ़े, आपने कहा आपने नहीं देखा, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको कई और तुर्क दिखाऊंगा जिसमें अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया है कि लानत की है उन लोगों पर जो पानी को खराब करते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचो कि एक अल्लाह के रसूल है, वो पानी खराब करने वाले को, उसको बदला करने वाले को, उसको पलीद करने वाले पर लानत कह रहे हैं कि वो रिसोर्सेज खराब कर रहा है, सर्वाइवल के पानी तालाब खराब कर रहा है, उसके ऊपर लानत की बात हो रही हो, कैसे अल्लाह के रसूल उसी गंदे पानी को इस्तेमाल करेंगे या अपनी मौजूदगी के अंदर साबा खादा उयूनल माई व मनाबेही व रस्तल अजनासी व मतरहन लिलअक़दार। वो कहते हैं कैसे मुमकिन है कि ये इजाजत दे दी गई हो, हादा मा ला यलीकु बिहालिहिम, उन लोगों की सीरत को पढ़ने वाला ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक ये भी बिल्कुल वही बात की गई है, ये बिल्कुल वही बात की गई है, शायद मैं जो आपको पढ़ाना चाहते हैं जिस तरह आप समझे हैं या अनफॉर्चुनेटली बड़ी तादाद में लोग गलती समझते हैं। ये देखिए जरा, एक हदीस है जामिया तिरमिदी के अंदर 68, ठीक है, सही सनद के साथ आप इसको देख सकते हैं, सुनन तिरमिदी में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेट नन ऑफ यू यूरिनेट इन स्टिल वाटर देन परफॉर्म वुजू विद इट, तुम में से कोई बंदा खड़े पानी के अंदर पेशाब ना करे और फिर उसी में से वुजू कर ले। यानी वुजू करने से भी मना किया, और सब जानते हैं कि बेरे बुजा की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने वुजू करने का भी कहा है, वो हदीस जो आपने पेश की ना 67, उसमें आगे वुजू की बात भी है। अगर वो पानी गंदा था तो अल्लाह के रसूल कैसे हुक्म दे सकते थे कि वुजू करो जबकि दूसरी हदीस मौजूद है? ठीक है, अब अगली हदीस ले लो। अच्छा ये जामिया तिर्मिदी की हदीस है 24, सही हदीस है, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेट हिम, अगर कोई तुम में से जागे, ये पॉइंट चेक करना आपने, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया व्हेन ऑन वन ऑफ यू अवेकन्स इन द नाइट, अगर तुम में से कोई एक रात को जागे, इस्माइल भाई रात को नींद से सिर्फ जागना है, लेट हिम not put his hand into the vessel until he has poured water on 2 times or 3 times. Allah ke rasool ne farmaya apne bistar se bhi agar neend se jago to direct bartan ke andar haath nahi dalna kisi bhi bartan ke andar, balki bahar se usko haath ke upar pani 2-3 baar dal ke saaf karna hai. Jo nabi safai ka itna ehtimam karte ho wo kisi pani ki jagah ke upar kachra dalne ko ya in cheezon ko istemal karne ko ya inse pani peene ko theek kehte honge, ye baat authentic riwayat ka bhi aur uske andar se bhi pata chalta hai, iska matlab wo matlab wahi tarah puch raha. Ab sahi muslim ki hadees hai 279a, sahi muslim, Allah ke rasool ne farmaya when a dog licks a utensil belonging to any one of you should be thrown away and then should be washed, jo usme bartan mein khana hai wo phenk diya jaye and then utensil should be washed 7 times. Jo nabi kisi bartan ke andar kutta muh maar jaye us cheez ko phenk kar 7 baar dhone ka hukm deta ho, wo mare hue kutte ka pani jo kuen ke andar hai wo pani peene ki ijazat dega? Ye nahi samajh mein exactly. To ab yahi wajah hai ki maine bunyadi taur par, mere khayal se itni baat kafi hai, main technical behas karunga jab wo banda aayega, technical behas karne wala riwayaton ke upar ya sanad ke upar usko hum skip kar rahe hain, to abhi sirf aap ye focus kare, isliye maine 3 cheeze puchi thi ki jo claim hai वो क्लेम सामने रखकर वो 3 चीजें कोई एक बंदा भी जितने तुर्क हैं घूम ले. नंबर वन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने पानी पिया उस वक्त वो चीजें उसके अंदर थी. पॉइंट नंबर 2, क्या कुआं या टंकी या इस तरह की जगह साफ नहीं की जा सकती गंदी होने के बावजूद? क्या घरों की टंकियां साफ नहीं की जाती? छिपकलियां कॉकरोच कुत्ते चूहे गिरते हैं, साफ नहीं की जाती? क्या उधर से पानी या नहाना छोड़ दिया जाता है? पॉइंट नंबर 2, साफ नहीं की जा सकती. नंबर 3 क्या था भला? नंबर 3 क्या फ्लड वाला, यानी कि जो कुआं पानी उसके बाहर कुआं, एग्जैक्टली जी, वो कुआं जो था बेरे बुजा, यानी पहला पॉइंट है स्पेसिफिक कि अल्लाह के रसूल ने जिस वक्त पानी पिया उस कुएं से बेरे बुजा से, तो उसमें ये चीजें थी. दूसरा पॉइंट है जेनरिक, क्या कुएं या टंकियां या वाटर जो टैंकर होते हैं वो साफ नहीं किए जाते गंदे होने के बाद? नंबर 3, और यूज किए जाते हैं. नंबर 3 फिर स्पेसिफिक कि क्या बेरे बुजा ऐसा कुआं था जिसके बारे में ये डिटेल मिलती हो कि वहां पानी जमा रहता था और कचरा जमा रहता था, और वो डिटेल जो हमने आपके सामने रखी है कि वो फ्लो के साथ चला जाता था? और भी कुछ रेफरेंसेस हैं मगर मेरे साथ इतने काफी हैं. ठीक है इस्माइल भाई,